हेलो दोस्तों, मैं हिम बारे में फिर से बात करता हूँ चैनल पे। तो गाइस आज है सेकंड डे यहाँ पे, और देखिए इतनी प्लीजेंट यहाँ पे मॉर्निंग है। बैकग्राउंड देख सकते हैं आप मेरा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। ये देखिए यही है उत्तराखंड की ब्यूटी, आप देख सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पे हर साल आता था, लेकिन ड्यू टू कोविड एक साल से आया नहीं। और तो अब जाके फाइनली कुछ गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं जिसके थ्रू हमें हम यहाँ पे उत्तराखंड में ट्रैवल कर सकते हैं। तो आपको बता दूँ कि आरटीपीसीआर टेस्ट मैंडेटरी है, हर जितने भी पर्सन हैं उन सबको आरटीपीसीआर टेस्ट कराना पड़ेगा। और उत्तराखंड ईसीटी पास के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि जिसमें आपको अपने सारी डिटेल्स रजिस्टर करनी पड़ेगी। उसका एक यूनिक नंबर आएगा, तो उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उस वाले लिंक पे जाओ और अप्लाई करो। और आपको जैसे ही उत्तराखंड में आप एंटर करेंगे तो आपको एक चेक पोस्ट मिलने वाला है, जहाँ पे ये सारी चीज़ें आपकी चेक होंगी। उसके बाद ही आप फर्दर मूव कर सकते हैं, और आगे भी एक दो जगह आपको देखने कुछ मिल सकती है चेकिंग। सही है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है यहाँ पर, लेकिन ठीक भी है। तो गाइस जो आप सामने देख रहे हैं, ये है चीता लेक। यहाँ का मानना है कि यहाँ पे चीता वगैरह पानी पीने आते हैं। ये जब आप सात ताल की तरफ जाएंगे, सॉरी सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, यहाँ जब आप सात ताल की तरफ जाएंगे तो आपको बीच में देखने को मिलने वाली है। इससे पहले आपको एक बर्ड सेंचुरी भी है, वहाँ भी आप जा सकते देखने। लॉकडाउन की वजह से कोई कहीं ज़्यादा जा नहीं पाए, क्योंकि नैनीताल वगैरह वो सब अभी लॉकडाउन की वजह से रिस्ट्रिक्टेड है। हल्द्वानी में भी प्रॉपर लॉकडाउन आपको देखने को मिलेगा। तो वी आर एट सातताल आफ्टर ऑलमोस्ट 1.5 आवर ऑफ वॉक, और 1.5 घंटा लगा। ऑलमोस्ट 5.5 से 6 किलोमीटर है वहाँ से, और उतना टाइम लगा। और यहाँ पे बोटिंग है, यहाँ पे थोड़े बहुत एडवेंचर आपको देखने मिल जाएंगे। और यहाँ पे बोटिंग का जो प्राइस है इस वक्त जो चल रहा है वो है 350 पर बोट। तो उसमें बोट में 4 पीपल चले जा सकते हैं। यहाँ पे आपको ये वाली भी मिलेगी बोट, जो कि आपके साथ एक पर्सन जाएगा और बोटिंग कराएगा। दूसरा जो होता है इसमें आपको यहाँ पे राफ्टिंग बोट जो होती है ना, वो भी आपको देखने को मिलेगी। आप वो भी हायर कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा व्यू है। इस वक्त थोड़ा मौसम ख़राब सा हो रहा है, बादल आ चुके हैं। यहाँ पे आपको शॉप्स भी देखने को मिलेंगी, जहाँ पे अभी तो फ़िलहाल बंद हैं यहाँ पे, लेकिन ये सारी रेस्टोरेंट या ढाबा जो भी कह सकते हैं वो हैं यहाँ पे। आपको भी आना और राजमा चावल ज़रूर ट्राई करना, टेस्टी है। चल रहे हैं वापस अपने स्टे की तरफ। Stay tuned.